अभी हम आए हैं घूमने मीरामार बीच, जो पणजी में पड़ता है, और बस थोड़ा टहलने आए हैं, शाम का सनसेट देखने आए हैं। और यहाँ का माहौल बहुत ही क्राउड है, पीछे मेरे भैंस दिखाई दे रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं बीच को। सो बेसिकली ये बीच बहुत ही नॉन क्राउडेड है, एक्चुअली नॉन टूरिस्टिक है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिखेंगे यहाँ पे, बहुत थोड़े टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस बीच पे। मोस्टली यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो लोकल्स है, और बहुत ही कम ऐसे टूरिस्ट होंगे शायद जो यहाँ आते होंगे, आते भी होंगे जिनका होटल आसपास होगा पणजी में, तो वो लोग यहाँ पे जस्ट टहलने आते हैं। क्योंकि ये थोड़ा बीच मतलब शांत सा है, कलंगुट बागा जैसा नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं और बस एंजॉय करते रहते हैं आके यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो है DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा, जो मैंने कुछ दिनों पहले ही मंगवाया था, और कुछ दिनों पहले ही वो मुझे बेसिकली डिलीवर हुआ, बट मेमोरी कार्ड नहीं होने की वजह से मैं रुक गया था, और बस कल ही मुझे ये मेमोरी कार्ड भी डिलीवर हो गया फाइनली। और अभी ये फर्स्ट मेरा शूट है इस कैमरा से, सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसका आउटपुट देखने। और जिस रीज़न के लिए मैंने ये मंगवाया है, वो रीज़न अगर मेरा सेटिस्फाई हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है, और होपफुली ये हो, क्योंकि इसके लिए बहुत ही पापड़ बेले मैंने इस कैमरा को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे कैमराज भी है, जैसे GoPro है, और बेसिकली ये दो ही कैमराज है, GoPro और DJI का ये Osmo Action, और बहुत ही कंफ्यूजिंग था दोनों में सिलेक्शन करना। आपको थोड़ा सनसेट दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ऐसा सनसेट है, और ये रहा रेनबो, शायद आपको दिखता हो पता नहीं, बट कुछ दिनों पहले वैसे यहाँ पे बारिश भी गिर के हो गई है, दो दिन बारिश गिर रही थी वैसे, और वैसे आज तो साफ है मौसम, बट कुछ कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, काले बादल है यहाँ पे, तो थोड़ा मास्क निकाल ही लेते हैं। चलिए अभी
घर जाने का वक्त आ गया है और सनसेट देखने के बाद अभी घर निकल रहे हैं। शायद आप कुछ देख नहीं पा रहे हो या देख पा रहे हो इस लाइट में। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मंडे नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है और हम निकल रहे हैं अभी। दो जगह हैं वैसे तो, बेसिकली हम निकल रहे हैं चांदोर की तरफ। चांदोर एक विलेज है टुवर्ड्स मारगांव, मारगांव के पास में पड़ता है वो। चांदोर से आगे हमें चलना है कुरुड़ी महादेव टेम्पल में और वहीं पे एक डैम भी है जिसको हम विज़िट करेंगे। और चलिए देखते हैं, सुबह के बजे हैं 7:10 और हमें जाना है बहुत दूर, 60 किलोमीटर का वैसे टोटल रास्ता है। तांदूर में कुछ अगर साइट सींग होगा तो वो करेंगे और वहाँ से फिर निकल जाएंगे कुरुड़ी महादेव टेम्पल के लिए और वहीं पे डैम है, डैम विज़िट करेंगे। तो चलिए, आज भी एक लॉन्ग ड्राइव, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, तो चलते हैं आगे। धीरे धीरे मैं अपडेट करता रहूँगा आपको जैसे आगे बढ़ते हैं। नाश्ते में है पात्र भाजी पाव, इसको बोलते हैं पात्र भाजी, और कुछ मिर्ची वड़ा लिया था, वो तो अभी ख़त्म हो गया, और साथ में चाय। गुड मॉर्निंग। चलिए पात्र भाजी टेस्ट करते हैं थोड़ा। अच्छा टेस्ट है, थोड़ा स्पाइसी, नाश्ते के लिए बेस्ट वही मिसल पाव का ऑप्शन। तो यहाँ बोलते हैं पाव भाजी। चलिए नाश्ता हो गया, तो निकलते हैं आगे की सफर के लिए।